तो भाई ये यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर भी ये इंग्लिश ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का आंसर नंबर टू है आंसर नंबर टू यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का ठीक है भाई इसी सब्जेक्ट का भाई आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाके चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा ठीक है बाकी भाई एक और आंसर आपको प्रोवाइड करा दूँ फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो फिनिश हो जाएगा फोर्थ आंसर आपको ख़ुद से ढूंढ के लिखना पड़ेगा तो भाई एक आंसर आपको जहाँ से भी मिल रहा हो ढूंढ के कर लीजिएगा ठीक है ना भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहा हम इसी टाइप से आपको वीडियो जो है आने वाले एग्जाम में भी प्रोवाइड कराते रहे चलिए मैं फटाफट स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ आप इसे फटाफट नोट डाउन जो है कर लीजिए तो बस भाई आपका जो आंसर है यहाँ पे फिनिश होता है आंसर भाई बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि छोटा है जब आप लिखोगे तो भाई आराम से दो से तीन पेजेस में आएगा और इंग्लिश में इतने पेजेस काफ़ी होते हैं लिखने के लिए साफ साफ वर्ड लिमिट भी बताई गई होती है चार से पाँच वर्ड लिमिट होती है तो इतने हैं काफ़ी है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो आप थोड़ा सा और सर्च करके इसके बारे में एक्सटेंड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ